बड़े भाई हैं वो मेरे, डांट सकते हैं मुझे। और कोई पहली दफा थोड़ी हुआ है जो तुम्हें गुस्सा आ रहा है इतना। मैं फिर तुम्हें यही कहूंगी, हमारे आपसी मामलात में तुम दूर ही रहो तो बेहतर है। समाने लग जा। अब आप जाति करें, सारी उम्र उसे घर भी तो नहीं बिठा सकते। नफीसा जैसी औरत की बातों में आकर तरक्षा अगर रिश्ता खत्म करना चाहती है तो करे, 100 बिस्मिल्ला। मेरी बेटी के लिए भी 1000 रिश्ते आ जाएंगे। देखो, मुझे पहले दरक्षा से बात करने दो, पता तो चले कि उसके इरादे क्या हैं। जरा सी बात का पतंगड़ बनाने का क्या फायदा है। और वैसे भी याद रखो समीना बेगम, हमने उससे मोहलत मांगी हुई है और इस बात को भी बहुत वक्त गुजर चुका है। आपसे तो बात करना फजूल है, दस से मस नहीं होते, अपनी बात पर अड़े हुए आप। लेकिन आप मेरी बात कान खोल कर सुन लें, कल को खुदा ना खास्ता अगर मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ ना तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। चाय। शुक्रिया। किसका फोन आया है? इनायत का फोन आ रहा है। पूछ रहा होगा कि आज हम हॉस्पिटल क्यों नहीं आए। जी इनायत बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अगर मजबूरी ना होती तो हरगिज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करता। बोलो बेटा,
कल सुबह हादिया को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब ये हादिया की जिद भी है और मेरी मजबूरी भी कि वो आप लोगों के साथ रहना चाहती है, उस वक्त तक जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। और मजबूरी मेरी ये है कि मैं हादिया की बात टाल नहीं सकता। ठीक है बेटा, वो कि मैं हाल में यही बेहतर है और हम भी यही चाह रहे हैं। बस यही कहना चाहता था। खुदा हाफिज। क्या कह रहा था? खैरियत तो है ना? जानता हूं कि तुम जाग रही हो। तुम भी तो जाग रहे हो मेरी वजह से। मैं अजीब सी कश्मकश में गिरफ्तार हो गया हूं। अजीब सी उलझन। अब कैसी उलझन? सब कुछ वैसा ही तो हो रहा है जैसे तुम चाहते थे। दरअसल वो इफ्तिखार अंकल से बात करते करते मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि मैं तुम्हारी जिद के सामने मजबूर होकर तुम्हें वहां रहने की इजाजत दे रहा, मतलब कि तुम वहां रहना चाहती हो। वो इस बात को सुन के खुश भी हुए थे। हादिया, मैं जानता हूं कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा। मैंने बाद में सोचा भी कि मैं अंकल को फोन करके हकीकत बता दूं, लेकिन फिर ये सोच के रुक गया कि उन्हें बुरा ना लगे। ना मुझे बुरा लगेगा ना उन्हें। मैं भी वहां जाकर यही कहूंगी कि मैंने कहा था। हादिया, बस एसी लगाने की देर है। मैं तुम्हें फौरन अपने साथ ले जाऊंगा उसके बाद। जानती हूँ। और अब प्लीज ज्यादा वजाहतें देने की जरूरत नहीं, वरना मुझे तुम पे शक होने लगेगा। शक? क्या मतलब? चोर गलती तब करता है जब उसके दिल में खौफ आ जाए कि उसकी चोरी पकड़ी जाने वाली। इस वक्त ये एग्जांपल देने का क्या तुक है? मजाक कर रही थी। मजाक भी नहीं कर सकती तुम्हारे साथ। नहायत ही बेहुदा मजाक। आइंदा मत करना मेरे साथ, समझी? वालेकुम अस्सलाम। आज जल्दी नहीं आ गए? कोई बात हुई है? ये सुबह की बात पे नाराज हो? क्यों पूछ रही हैं आप? क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तुमने कभी आके मुझे इतना रूखा सलाम नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि मुझे गलत फहमी थी कि आप मेरी बातों को अहमियत देते हैं। लेकिन आज जो हुआ है उससे साबित हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैं आपकी परवाह क्यों करूं? और आप भी मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इतना भड़क रहे हो? मामू ने आपके साथ बदतमीजी की और मुझे ये कह के चुप करा दिया जाता है कि मैं आप लोगों के मामलात में ना बोलूं। मैं कैसे ना बोलूं? आखिर आप माँ है मेरी। कोई भी आपको कुछ भी बोल देगा और मैं सुनता रहूंगा। वो कोई नहीं, तुम्हारे मामू हैं। अब इस सारी दुनिया में उनके सिवा हमारा है ही कौन? बोलो। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि उनके जो जी में आएगा वो कह देंगे। बड़े भाई हैं वो मेरे, डांट सकते हैं मुझे। और कोई पहली दफा थोड़ी हुआ है जो तुम्हें गुस्सा आ रहा है इतना। मैं फिर तुम्हें यही कहूंगी, हमारे आपसी मामलात में तुम दूर ही रहो तो बेहतर है। और जहां तक रही बात उनकी डांट की, तो बख्शूंगी तो मैं भी उन्हें नहीं। अरे
क्या हो गया इसे? हेलो, शुक्र है तुम्हारा फोन तो ऑन हुआ और अटेंड भी कर लिया, वरना मैं तो समझ रहा था लाइन कट करने के बाद तुम्हारा फोन ऑफ हो जाएगा फिर से। ये बताने के लिए कॉल किया था। अभी तक नाराज हो? आयान, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे मजीद परेशान मत करो। मैं जानता हूँ, इसीलिए तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन मैं मिलना नहीं चाहती। हानिया प्लीज। कहा ना नहीं मिल सकती। मैं कल यूनिवर्सिटी में तुम्हारा इंतजार करूंगा, आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं कल यूनिवर्सिटी नहीं आ रही और ना ही मैं तुमसे मिलूंगी, बाकी तुम जो मर्जी करो। हेलो, चादर मत डालो, आप ही को गर्मी लगेगी। मैं तो सिर्फ आप ही के पाँव पे डाल रही हूँ। माइंड ठीक कह रही है, गर्मी बहुत है, हटा दो। इनायत तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ ना। मैं शरबत बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मैं पीऊंगा नहीं, थैंक्स। उसने मना किया, तुम रुक गए। कोई पूछते हैं शरबत बनाने के लिए, जाओ। आंटी मैं इजाजत चाहूंगा, मैं एक दो दिन में फिर चक्कर लगाता हूँ। आदि प्लीज अपना बहुत ख्याल रखना और दवाएं टाइम पे लेती रहना, ओके? कुछ देर बैठ जाते इनायत। आदि मैं जरूर रुक जाता, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें रात में कॉल करता हूँ। सजा वो इंडस्ट्रियल फैन तुम ले आना, मैं इनायत को छोड़कर आ। गर्मी तो नहीं लग रही तुम्हें? नहीं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे हुक्म करेंगे। ये इतनी मेहरबान कैसे हो गई? फैजान तुम फिर से शुरू हो गए बहन को तंग करने। हाँ अरे अम्मी, मैं तो कह रहा था ये हानिया इतनी अच्छी कैसे हो गई? इनायत भाई चले गए। हाँ वो तो चले गए, जिसे जाना था वो चले गए, जो यहाँ खड़े उन्हीं को ही बुला दो। तुम बाद में आओगे, पिटाई कर दूंगी मैं तुम्हारी। मैं तो बस ऐसे ही। तुम ही पी लो। मुझे दे दो, मुझे। मेरा बच्चा, अब पंखा कौन लाएगा? जा रहा हूँ मैं, पीने तो देती हूँ। बहुत ही हड़ आराम है तुम्हारा भाई, काम से तो भागता ही रहना। किस बात पर इतनी हंसी आ रही है, मुझे भी तो पता चले। अगर तू सुनेगी ना तो भी खुशी से पागल हो जाएगी। अच्छा तो फिर जल्दी बताओ क्या हल निकाला तुमने? वैसा कर, ये सब लेके अंदर चल, मैं भी आके वहीं बताती हूँ सब कुछ। पहले बताओ तो। सारा खेल चौपट हो जाएगा अगर इनायत आ गया तो। मैं तुझे कह रही ना कि तू चल अंदर आके मैं तुझे बताती हूँ, मेरी बात पे एतबार नहीं है तुझे? बस इतना समझ ले कि इनायत आके तुझसे माफी मांगेगा। क्या वाकई? हाँ। अरे जा मनु जा, बल्कि तू ये रहने दे, मैं खुद ही लेके आती, चल जा। चलो इधर आओ, मेरे साथ इधर आओ, मेरी बात कान खोल के सुनो। अब तुम हादिया के सामने अपना रोना धोना मत लेके बैठ जाना। अगर मैंने सुना या मुझे पता चला ना तो मैं तुम्हारे साथ वो हशर करूंगी कि तुम देखना, और जो तुम सोचे बैठी हो ना वो तुम्हारे साथ मैं करूंगी। मेरी बात सुन रही हो या कान बंद करके बैठी हो? सुन रही हूँ, बच्ची नहीं हूँ मैं, हो गया आपका या जाऊँ मैं? देखो माही, मुझे तुम्हारे तेवर ठीक नहीं लगते, अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा किया ना तो दूंगी एक उल्टे हाथ का खींच। अम्मी पीछे तो मत पड़ा करे मेरे। इस लड़की दिमाग खराब करके रख दिया।
अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम। मुइज बेटा, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम घर पे हो या दफ्तर में? घर पे हूँ, क्यों? चलो अच्छा है कि तुम घर पर हो। वो फोन जाके फौरन दरख्शां को दो, मैंने उससे जरूरी बात करनी है। तो आप उनके नंबर पे कॉल क्यों नहीं कर लेते? बेटा सुबह से कॉल कर रहा हूँ, उसका नंबर ही बंद जा रहा है। आज से पहले कभी ऐसा हुआ है? नहीं, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो फिर वजह भी समझ जाए कि उनका फोन ऑन क्यों नहीं हो रहा। जहन पे जरा जोर दीजिए, आपको समझने में ज्यादा दुश्वारी नहीं होगी। जो कहना है मुझसे कहिए, मैं आपका पैगाम पहुंचा दूंगा। अपना लहजा दुरुस्त करो, ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। आपका फोन बंद है क्या? क्यों? आप ही घर आ गई हैं। क्या? कैसे? अरे उस दिन जो कुछ अस्पताल में हुआ उसके बाद ये कैसे हो सकता है? ये आप खुद उनसे पूछ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर तो वो सब मिलके आदिया को लेने अस्पताल भी गए होंगे। यानी पहले झगड़ा भी हुआ और फिर सुलह भी, और हम यहाँ ये सोच सोच के कुड़ रहे हैं कि हादिया का क्या होगा। मेरा भाई बेचारा कितने कर्ब से गुजर रहा होगा। और तो और, मेरे भाई ने उस दिन जिस लहजे में मुझसे जो कुछ भी कहा, मैंने उसे भी भुला दिया। अगर यहाँ तो मामला ही अलग निकला, यानी ना हमें पहले कुछ पता था ना बाद में कुछ पता लगा। लेके जरा चलना मुझे वहां। हम मुरब्बत और लिहाज में चुप रहते हैं और वो इसे हमारी कमजोरी समझ रहे। बहुत हो गई मुरब्बत, बहुत हो गया लिहाज। आप आज ऐसा कुछ नहीं करेंगी? मैं आज ही करूंगी। अरे ये माहीन वाला किस्सा तो आज ही तमाम करूंगी। मोहलत मांगी थी ना उन्होंने, खत्म हो गई मोहलत। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो माहीन को उठा के ले आएंगे। बचपन से तुम्हारे लिए मांग रखा है माहीन को। मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा और ना ही आपको ऐसा करने दूंगा। देखिए अगर उन्होंने इनकार किया ना तो हम चुपचाप वहां से वापस आ जाएंगे। को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाएं, दिल को रह रह के ये अंदेशे।
वापसी।